हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल ओके. टुडे आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड क्लास 7 चैप्टर नंबर 8.4 ज्योमेट्री चैप्टर. दिस वाज आई मेड यू अंडरस्टैंड 1 2 3 4 फोर नंबर आई एम गोइंग टू मेकिंग यू अंडरस्टैंड. ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन सी माय प्रीवियस वीडियो. ओके, देन इट इज नंबर 4. I am going to make you understand. Let's draw a right angle triangle ABC such that angle BAC 90 degree, BC equal to 8 centimeter and angle ACB equal to 45 degree. Okay. Hints. It is hints. First, whatever here is written, we have to do line by line. Okay. Come on. Let's start. Here is written. What is written here? Let a ray CX is taken scale with pencil. Okay. I am going to make as it is. Here is written. Ray, in the sense that is ray. Okay. What is the name of ray CX? C and X. Okay, one is complete. Now second is at C on CX, angle XCD equal to 90 degree drawn with pencil and compass. 90 degree किस तरह से draw करना है, पहले भी आपको मैंने बताया हुआ है, फिर एक बार बता देती हूँ. CX के ऊपर, point CX के ऊपर में, ये C के ऊपर में 90 degree आपको करना है. Okay, चलिए करते हैं. कोई भी एक कॉम्पास से आप कोई भी एक मेजर लीजिए और 90 डिग्री करते हैं. पहले बहुत सी वीडियो में मैंने ये चीज सिखाया हुआ है आपको. ये एक लिया, कोई भी मेजर लिया, इसी मेजर से ये जो है यहाँ का जो पॉइंट है वही पॉइंट से आपको काटना है. मैंने बताया हुआ है ये पहले भी बहुत बार, ये और ये यहाँ से ये हो जाएगा और बिना हिलाए आपको करना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, ये हुआ 90 डिग्री. ये पॉइंट से ये पॉइंट मिलाते हुए दैट इज कंप्लीटेड 90 डिग्री. लेट्स सी 90 डिग्री इट इज और नॉट. सी 90 डिग्री, सॉरी, सी 90 डिग्री ओके दिस इज 90 डिग्री दैट इज मैस्ड ओके दैट इज कंप्लीट ऑल्सो टू नंबर ऑल्सो कंप्लीटेड. वट इज द नेम? सी एक्स सी डी. एक्स सी दैट नेम विल बी डी. ओके, नाउ दैट इज ऑल्सो कंप्लीट. एंगल एक्स सी डी इज बेस बिसेक्ट, मैने बिसेक्ट मैने बीच से काटना है. Bisect with pencil and compass and we get the angle XCY equal to 45 degree. Okay, XCY, ये है X, ये है C. एक यहाँ से आपको bisect करना है, ये हो जाएगा आपका Y. Okay, चलो करते हैं. यहाँ पर भी आप कोई भी एक angle लीजिए, ये थोड़ा सा मैं बड़ा ले रही हूँ. कोई भी एक measure ले लीजिए, एक यहां काटिए, एक यहां काटिए. ठीक है, उसके बाद में यही एंगल से आप यहां काटेंगे और ये मेजर को हिलाना नहीं है. ठीक है, और ये एंगल को यहां काटना है. ये आपका 45 डिग्री कंप्लीट. बहुत बार मैंने ये ज्योमेट्री में आपको दिखाया है, अगर आपको नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका 45 डिग्री. देखिए दैट इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री. ओके, एंड दिस होल इज 90 डिग्री. वी हैव टू राइट स्मॉल. ओके, नाउ इट इज 1 2 3 कंप्लीटेड. नाउ फोर नंबर फ्रॉम सी वाई. वट फ्रॉम सी वाई, दिस नेम इज वाई.
from CY. Let cut of portion CB equal to 8 centimeter. CB from CB एक यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर देना होगा, जो होगा नाम B नाम रखना होगा, ठीक है. 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट B परपेंडिकुलर डाउन दी डाउन ऑन सी एक्स विथ हेल्प विथ स्केल पेंसिल एंड कंपास. दिस परपेंडिकुलर मीट एक्स सी एक्स एट किस में जाएगा ये हम बाद में बताते हैं. दस द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू 45 डिग्री. कौन लेट्स राइट डाउन 8 सेंटीमीटर. अभी हम ये पेंसिल कंपास से इसके 8 सेंटीमीटर मेजर करते हैं. पहले तो देखिए आप ड्रॉ कर सकते हो या यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हो. ये देखिए यहाँ से 8, ये है 8 सेंटीमीटर है. अभी हम लोग यहाँ से क्या बोला है, सी और वाई के बीच में एक पॉइंट देना है जिसका नाम देना है बी. तो दे दिए बी, कितना डिग्री हुआ सॉरी कितना मेजर हुआ 8 सेंटीमीटर. अभी बोला है इसमें बी पॉइंट बी परपेंडिकुलर इज डाउन दिस सी एक्स, सी और एक्स के बीच में एक परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर करना है और वो किस में कटेगा, ये यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होगा उसका नाम क्या देंगे. लेट्स सी कि क्या करना होगा. यहाँ से एक मेजर लेंगे जस्ट बाहर एक पॉइंट लेने के लिए. ओके ये हमने एक तो यहाँ से ये पॉइंट से सी एक्स से बाहर एक पॉइंट करेंगे अपने, ये पॉइंट किया. ओके पॉइंट किया. अभी यही मेजर से हम लोग एक कोई भी पॉइंट मेजर लेके यहाँ से इसको करना है और इसके बाद ये से यहाँ एक पॉइंट करना है, ठीक है. ये देखिए ये पॉइंट हो गया एग्जैक्टली परपेंडिकुलर. मने क्या है 90 डिग्री है ना, ये परपेंडिकुलर कंप्लीटेड दैट यू हैव टू मेक दिस वन. अभी ये जो परपेंडिकुलर हमने करा है इसका नाम देंगे ए. ओके ए बी सी इक्वल टू 45 डिग्री. तो देखिए फिर से दिखाती हूँ, ए ए बी सी इक्वल टू 45 डिग्री और यही देंगे तो बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री है ना, और सी एक्स पर ए के काटा हुआ है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सी एक्स एट ए. ओके सी एक्स एट ए. दस द गिवन एंगल ट्राइंगल ए बी सी, बी सी 8 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू हाउ मेनी 90 डिग्री. परपेंडिकुलर मीन्स ही तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया. एंड एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू 45 डिग्री, इक्वल टू 45 एज इट इज. जैसे जैसे ये इसमें हिंट दिया है वैसे वैसे हमको लिखना है. तो हम लोग ये आंसर लिख सकते हैं, राइट एंगल देयर फॉर राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल A B C that such that angle B A C equal to 90 degree, B A C equal to 90 degree. Okay, then B and C equal to 8 centimeter. B एंड C इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. जैसे जैसे किया है वैसे वैसे हमने लिखना है. एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल ए सी बी इक्वल टू 45 डिग्री. दैट इज कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये कोई एक्सरसाइज में 8.4 का है और
क्वेश्चन नंबर 4, ओके। देन कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करिए, मैं उसका आंसर दूंगी। पूरा साइंस में, इंग्लिश में, किसी में भी, कोई भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका उसको सॉल्व करके दूंगी। तब तक सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर ऑल ओके। कम ऑन, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 9, जो है ज्योमेट्री का लास्ट चैप्टर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस राइट विद द व्हाट डज द कॉन्ग्रेंसी मीन। व्हाट डज द कॉन्ग्रेंसी मीन? कॉन्ग्रेंसी हिंदी बता देती हूँ, अनुकूल, एक दूसरे के अनुकूल, समान है कि नहीं, इसका आपको क्वेश्चन समझना है, क्या है इसको डिफाइन करना है, ठीक है। व्हाट डज कॉन्ग्रेंसी मीन? कॉन्ग्रेंसी मीन्स, मैं आपको बता देती हूँ कि आप कोई भी दो एंगल ले लीजिए, दो ट्राइंगल ले लीजिए, ये इसका समान, इसके समान, इसके समान, इसके समान है कि नहीं, ये तीनों में तो नहीं होगा, लेकिन ये दो का समान है कि नहीं, या ये दो का समान है कि नहीं, इस तरह से आपको अनुकूल करना है, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रेंसी। ओके, लेट्स राइट डाउन द कॉन्ग्रेंसी ऑफ टू ट्राइंगल। इसके आप बता सकती हूँ कि चलिए, मैं इसमें इसका क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपके बुक में ही है, ये मैंने आपके सामने लिख के दिया है, तो इसका आंसर लिखने के लिए आप अपने बुक में ही देखिए, टर्न करिए पेज नंबर 126। ओके, 126, इसमें लिखा है व्हेन अ ज्योमेट्रिकल फिगर इज मेड अ When one geometry figure is made to coincide with the other of simple suffering or turning or by both, then they are called the congruency in the each other। मैंने क्या बोला है, ये देखिए, ये दोनों समान होना चाहिए, इसके समान ये होना चाहिए, है ना, ये एंगल के साथ में एंगल है, तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं, इसका आंसर आप यहाँ पर लिख के आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी सेकंड में है, लेट्स राइट डाउन द कंडीशन ऑफ द कॉन्ग्रेंसी ऑफ द ट्राइंगल। इसके ट्राइंगल कौन, इसका क्या कंडीशन है, ये कंडीशन आपको यहाँ पर आंसर है, ये वन नंबर आंसर है एंड दिस इज टू नंबर आंसर। ओके, यू कैन राइट इन योर कॉपी। मैं समझा देती हूँ, द फॉलोइंग ऑफ द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रेंसी इज द ट्राइंगल साइड, एक जैसे ये ले लिया है मैंने, ये साइड, तो साइड, तो अपने लिख सकते हैं S S S। ओके, एंड साइड, इसको साइड, ये एंगल अगर ले लेते हैं साइड, तो ये एंगल हुआ जैसे ABC, तो ये एंगल कहलाता है ना, तो इसको लिख सकते हैं SAS। ओके, देन एंगल साइड, तो फिर ये एंगल एंड ये एंगल ले सकते हैं, तो एंगल साइड एंगल, राइट एंगल, तो इसको लिख सकते हैं RHS। ये आपका आंसर है सेकंड वन, और कुछ नहीं करना है आपको, इसको लर्न करना है, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, डिफाइंड में आ सकता है, तो यू हैव टू डू दिस वन क्वेश्चन आंसर। ओके, कम ऑन, नंबर थर्ड, लेट एक्सप्लेन फिगर वेदर एंगल कैन बी कंडीशन फॉर द कॉन्ग्रेंसी ऑफ टू ट्राइंगल। इसको बोला है एक्सप्लेन करो, जो एंगल, मैंने अभी क्या बताया, तीन एंगल कभी नहीं हो सकता है, ये एंगल होता है, तीन एंगल कभी नहीं होता है, ए कभी नहीं होता है, मैंने अभी भी बताया आपको, एंगल नहीं है, एंगल साइड एंगल होता है, एक एंगल हो सकता है, दो एंगल हो सकता है, ये साइड एंगल हो सकता है, तो ये नहीं होगा। इसको लिखने के लिए अभी इसको आपको लिखना पड़ेगा, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, वैसे ही लिखिए क्वेश्चन, ये मैंने कॉपी कर दिया है आंसर आपके लिखने के पहले, जैसे इसमें बोला है लेट्स ट्राई एक्सप्लेन विथ फिगर आपको करना ही पड़ेगा, आपको इसको स्केल पेंसिल के सहारे आपको एक ये कॉन्ग्रेंसी करना है, ये समझ लीजिए,
60 डिग्री है, ये समझ लीजिए पॉइंट 2.5 है सेंटीमीटर, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। तो नाम दे देते हैं ए बी एंड सी, और इसमें इधर पर भी सेम वही करते हैं, ये 60, ये 60 एंड ये भी है 60, ओके। नाम दे देते हैं डी ई एंड एफ, ये समझ लीजिए 4 सेंटीमीटर है। आप इसमें आप मैंने ये 60-60 किया, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, 60-60-60 ही करना है, ये आपको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने 2.5 दिया, यहाँ पर आप 3.5 कर सकते हैं, 4.5, वाट एवर यू कैन डू, ओके। यहाँ पर आप 4, मैंने 4 किया, इसका मतलब नहीं है कि आपको भी 4 करना है, ये आप बढ़ा सकते हो या कमा सकते हो। तो ये 60 डिग्री आपको करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज वी नो दैट एक एंगल ट्राइंगल करने के लिए हमें इसका सम होता है, मिलता है 180 डिग्री। इट्स दैट्स व्हाई वी हैव टू डू 60-60-60 इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री के साथ में अगर हम 1-2-3-3 साइड है इसको काटते हैं तो 60 डिग्री आता है ना, तो देखिए 60 डिग्री आया है। तो इसके आंसर लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे, देखिए जो मैं लिख रही हूँ वही आपको लिखना है। पहले ये आपको इसी तरह से आपको दिखा देना है पेंसिल के द्वारा, ठीक है, ये आपको पेंसिल के द्वारा दिखा देना है, फिर उसके बाद में लिखना है द एंगल ऑफ दिस टू ट्राइंगल triangles are equal to each other, okay, this is first line, but यहां पर पूछा है तीनों ही ए एंगल एंगल एंगल, दैट इज नॉट पॉसिबल, दो एंगल 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 ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग ये लिख रहे हैं द एंगल इज दिस टू ट्राइंगल इज इक्वल बट टू ईच अदर, एक दूसरे से समान है, बट यहां पर बट क्यों दिया है लिखते हैं, चलिए बट इट इज वेरी क्लीन, बट इट इज वेरी क्लीन, आप अपने लैंग्वेज में जो मन में समझ में आता है आप लिख सकते हो, फ्रॉम द फिगर अबव दैट इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कट ऑफ, ट्राइंगल ए बी सी इज कट ऑफ एंड placed on triangle D E F, comma, they will not be coincide, that is the triangle आर केसेस आर ट्राइंगल नॉट बी ट्राइंगल आर नॉट ट्राइंगल आर केसेस नहीं होगा नॉट कॉन्ग्रुएंट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ओके, दिस इज आंसर। आपको इसी तरह से फिर से आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या मैंने बोला है वो आपको कंटिन्यू बोलते बोलते लिखते जाना है और आपको ये लर्न कर लेना है, ठीक है। नाउ स्टार्ट नंबर 4। 4 नंबर में क्या है चलिए देखते हैं। लेट्स एक्सप्लेन विद कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वेदर फॉलोइंग द ट्राइंगल इन ईच केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट और नॉट। ये दो है, देखिए एक नंबर में ये दो है ट्राइंगल, बी नंबर में दो ट्राइंगल, तीन नंबर में, इस तरह से ये कौन कौन सा है ये आपको
कॉन्ग्रुएंट कौन कौन सा हो रहा है ये आपको लिखना है, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या है, अनुकूल, ये दोनों एक दूसरे के अनुकूल कितना समान है वो लिखना है आपको। तो चलिए लिखते हैं, ये है एंगल ए बी सी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी ये देखिए डी एफ ई में 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, यहाँ 7 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका साइन क्या है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन है ये वाला, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जैसे इसमें किया हुआ है वैसे ही आपको पहले लिख लेना है। मैं लिख के आपको दिखाती हूँ किस तरह लिखना है। देखिए, जो मैंने अभी बोला आपको एंगल ए सी, एंगल ए सी 7 सेंटीमीटर, और एंगल ई एफ 7 सेंटीमीटर, जैसे जैसे ये है वैसे वैसे आपको लिख देना है। ये दोनों समान है इसीलिए 7 सेंटीमीटर, ए बी और एफ डी दोनों 5 सेंटीमीटर है, बी सी और डी ई 6 सेंटीमीटर है, ये आपको इसी तरह से लिखना है, ठीक है। अभी इसका डिफाइन करना है, देयर फॉर द लेंथ लेंथ ऑफ दिस साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल triangles is equal to the length of 3 sides of the other triangles, एक से ज्यादा है इसीलिए एंगल्स करेंगे, ओके। ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस कंडीशन। सब देखिए साइड बाय साइड इक्वल है इसीलिए एस कंडीशन लिखेंगे, दैट इज नंबर टू में। अभी क्या आता है देखिए, नंबर टू में है पी क्यू 5.5, यहाँ पर क्या है एच आई 5.5 सेंटीमीटर, अभी है क्यू आर 8.2 सेंटीमीटर, जी आई है 8.2 सेंटीमीटर, और यह है एंगल 60 और ये भी एंगल है 60। तो चलिए लिखते हैं, नंबर टू में भी सेम मैंने ऐसे ही लिखा है जैसे नंबर वन में लिखा है। आप पहले ये अपने कॉपी में कॉपी करेंगे, उसके बाद ये आपको लिखना है। अभी इसका आंसर क्या लिखना है, सेम जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया है वैसे ही आपको करना है, द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल दिस साइड्स, ओके। ये क्या लिखना है, मैं इसको साइड कर देती हूँ, देयर फोर द लेंथ लेंस of two sides of a triangles is equal to the length of two sides of the other triangles and one angle is equal in both ट्राइंगल, hence टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाई SSA कंडीशन, ओके। ये आप लिख लीजिए, इसमें कोई भी
प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह मैंने लिखा है आपको वैसे ही लिखना है, आप जैसे जैसे देख रहे हो वैसे वैसे ही आपको लिखना है, प्रत्येक में ईच। देखिए ये जैसे जैसे है वैसे आपको करते जाना है, आपको समझ में मैंने जैसे समझाया है आपको वैसे ही समझना है, ठीक है। वैसे ही थर्ड नंबर में देखिए ए बी का कोई एंगल नहीं, लेंथ नहीं दिया है, ये ए सी 4 सेंटीमीटर, डी ई 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, डी ई 3 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, किस तरह लिखना है चलिए बताती हूँ। 3 नंबर में भी देखिए इसी तरह लिखना है जैसे ये लिखा है, द एंगल ऑफ टू साइड एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ टू साइड एंड वन साइड एंगल इज डी ट्राइंगल डी ई एफ, हेंस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंसी बाय एस एस ए कंडीशन, ओके। ये आंसर आपको लिख लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैं जैसे बोलते जा रही हूँ वैसे आप फटाफट लिखते जाइए। ये नंबर 4 में है, 4 में क्या है, एंगल ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ई एफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, वैसे ही लिखना है, ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डी ई इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए एंगल ए बी सी 90 डिग्री, एंगल डी एफ ई इक्वल टू 90 डिग्री, एज इट इज आपको लिखना है जैसे मैंने यहाँ पर लिख के दिया है। देखिए जैसे जैसे इसमें बोला है मैंने वैसे वैसे ही ये लिखा हुआ है, लिखने के टाइम में लिखेंगे देयर फॉर द लेंथ ऑफ टू साइड एंड वन एंगल इज ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस टू साइड एंड वन एंगल इज ट्राइंगल डी ई एफ, हेंस दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्सिक्वेंट बाई एस एस ए कंडीशन, ओके। ये आपका ये देखिए यहां से यहां तक सभी जगह आपका इक्वल आएगा, बस ये ट्राइंगल और लेंथ ये आपको लिखना है, बाद बाकी ये चेंज करने के टाइम में आंसर यहाँ से यहाँ होता है कि कॉन्सिक्वेंट है कि नहीं, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ये देखना है आपको, ठीक है। नंबर 5 पे भी सेम ऐसे ही है, देखिए 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, बट 4 सेंटीमीटर, हेयर इज 3 सेंटीमीटर, देयर आर सम डिफरेंट, सो दैट्स वाई वी हैव टू राइट हेयर एंगल ए बी सी ए सी बी इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए एंगल ए सी बी 45 डिग्री एंड ई डी ई ई डी एफ इक्वल टू 45 डिग्री लिखा हुआ है, एंगल बी बी ए सी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल डी एफ एफ ई इक्वल टू 60 डिग्री, ये देखिए लिखा हुआ है, और ए सी दैट इज नॉट कॉन्सिक्वेंट, दैट्स वाई हेयर इज रिटन ए सी नॉट कॉन्सिक्वेंट डी एफ। देखिए ए और सी नॉट कॉन्सिक्वेंट, डी और एफ नॉट कॉन्सिक्वेंट, सेम इज नॉट देयर, तो लिखेंगे द टू एंगल आर इक्वल टू इन बोथ ट्राइंगल बट द साइड इज नॉट इक्वल टू दिस टू ट्राइंगल नॉट कॉन्सिक्वेंट, ओके। दैट इज 5 नंबर। एंड नंबर सिक्स में देखिए यहाँ पर जैसा है वैसे ही यहाँ पर भी ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है, 30 डिग्री, ई डी ई एफ 30 डिग्री, डी एफ ई 40 डिग्री, यहाँ पर भी है ए बी सी 40 डिग्री, ई सी बी इक्वल टू 30 डिग्री, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये एज इट इज वैसे ही लिखना है जैसे हमने दिखाया है आपको, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले सकते हैं, और उसके बाद में लिखना है हेंस, मेन आंसर होता है ये, तो मैंने आपको हर जगह लिख के बताया है आंसर मेन होता है, हेंस दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्सिक्वेंट बाई ए एस एंगल एंगल एंड साइड, ओके। एंगल एंगल एंड साइड, ये साइड है, ये एंगल एंगल है, दोनों इक्वल है, इसलिए ए एस कंडीशन। यहां पर आ जाता है 7 नंबर, अब ये आ गया, ये है ए बी सी इक्वल टू 40 डिग्री और ये है 3 सेंटीमीटर, यहाँ है 3 सेंटीमीटर, डी एफ ई इक्वल टू 40 डिग्री, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इक्वल है, तो यहाँ पर भी इक्वल है, इस वजह से सेम ऐसे ही लिख देंगे जैसे यहाँ पर मैंने अभी अभी बोला है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके सामने मैं दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, ठीक है। आंसर में आएगा ये, आप ऐसे ही लिखेंगे, मैंने आंसर डायरेक्ट लिखा है, हेंस दिस ट्राइंगल आर कॉन्सिक्वेंट बाई ए ए एस कंडीशन, ठीक है, ए ए एस कंडीशन, ए एस कंडीशन, ओके। नेक्स्ट नंबर
ये कंप्लीट हो गया है। नंबर 8 में अपने चलते हैं। 8 में क्या है देखिए, 55 डिग्री 55, बी ए सी इक्वल टू 55, ए बी सी इक्वल टू 55, और अब बी सी ए इक्वल टू 70। यहाँ पर भी डी ई एफ 55, ई डी एफ 55 एंड एफ डी एफ सी इक्वल टू 70, दोनों ही कॉन्सिक्वेंट है। तो ऐसे ही सेम लिखेंगे जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया है, एज इट इज देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में लिखने के टाइम द थ्री एंगल, इसमें थ्री एंगल दिया हुआ है, थ्री एंगल प्रत्येक में दो दो दिया हुआ है, यहाँ पर आपका थ्री एंगल दिया है, इसीलिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देयर फॉर द थ्री एंगल आर इक्वल इज बोथ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, सो दैट दिस टू ट्राइंगल आर नॉट कॉन्सिक्वेंट। ओके, दिस टू आर नॉट कॉन्सिक्वेंट, दैट इज एंसर। आपको ये चैप्टर 9 नंबर मैंने फिनिश कर दिया है। आप नंबर मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी, क्लास 7 का 10 नंबर चैप्टर का आपको सिखाऊंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, यू कैन आस्क टू मी, आप मुझे इनबॉक्स करिए, मैं आपको सभी का आंसर दूंगी। मुझे सब्सक्राइब करिए, अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका सब्सक्रिप्शन लाइक बटन मेरे लिए बहुत हौसला बढ़ाता है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद। We'll be right back.